इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, क्या गिवन है, आर। क्रॉस सेक्शन एरिया एमएम स्क्वायर में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट गिवन है। कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी निकालना है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर मीटर क्यूब, यानी कि छोटा एन, छोटा एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। याद रखना जिन भी क्वेश्चन में वी गिवन है और आर गिवन है, तो अंडरस्टूड है करंट तो आ ही जाएगा वी बाय आर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इज आई बाय एन ए। तो आई तो आप निकाल ही लोगे वी बाय आर। अब क्वेश्चन में वी पता है, आर पता है, एन पता है, ए पता है और ई पता है, यहां से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बड़ी है पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर वायर, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई भी गिवन है और कंडक्टिविटी भी गिवन है। तो एक तो आपको एरिया गिवन है, करंट गिवन है और कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा भी गिवन है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है एक बात, जब भी आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के बारे में रिलेशन गिवन हो, ओम लॉ ही लगाना है। तो ओम लॉ क्या था, जे करंट डेंसिटी इज सिग्मा इनटू ई, राइट। पर आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा पता है, आपको ई निकालना है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको क्वेश्चन में करंट भी पता है और एरिया भी पता है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। समझ में आ रहा है यहां तक, तो बस आप ये ओम लॉ लगाएं, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, जे का मतलब करंट बाय एरिया, करंट बाय एरिया इज इक्वल टू, करंट बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, आपको ई निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है, आंसर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। मेथड क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें प्लीज।
क्वेश्चन में गिवन है एल्यूमिनियम वायर जिसका डायमीटर गिवन है, तो इसका मतलब रेडियस गिवन है, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया आ गया। इज कनेक्टेड टू कॉपर वायर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर पता है तो रेडियस पता है, रेडियस पता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है, तो एल्यूमिनियम कॉपर का एरिया पता है। द वायर कैरी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, दोनों की दोनों वायर्स कितना करंट कैरी कर रही है 10-10 एम्पियर। क्या निकालना है? करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट अपॉन एरिया, करंट 10 एम्पियर है, एरिया हम निकाल चुके हैं, पुट करो करंट डेंसिटी आ गई। पहला आंसर क्लियर है। दूसरा क्या निकालना है? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर, तो करंट पता है, करंट और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? VD is equal to I by NA, तो I की वैल्यू कितनी है 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉपर का गिवन है आपको N, ये रहा, तो N पता है, एरिया पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी पता है, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूलास को कैसे यूज करना है, ठीक है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो करंट आई पता है 1 एम्पियर, कॉपर वायर में जिसकी लेंथ पता है एल, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टिविटी, रो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। अब जिस भी क्वेश्चन में रो एल और ए गिवन हो तो समझो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पक्का एप्लीकेबल है, रो एल बाय ए, तो रो पता है, एल पता है, ए पता है, तो यहां से क्या जाएगी रेजिस्टेंस। पर आपको वी निकालना है, आपको क्वेश्चन में करंट पता है, रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, वी इज इक्वल टू आई आर से वी आ जाएगा, ठीक है यहां तक। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट बाय एरिया, करंट तो आपको पता ही है, इसमें एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शन का, डिवाइड करके करंट डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन है, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एज शोन, ये कंडक्टर ना पहले मोटा और फिर पतला हो गया, वायर पहले मोटी और फिर पतली होती जा रही है, तो उसने दो क्रॉस सेक्शन दिए,
एक बड़ी वाली का डायमीटर डी वन है और छोटी वाली का डायमीटर डी टू है, करंट मूव कर रहे राइट की तरफ, ठीक है यहाँ तक। अब पॉइंट ये है, अगर आपको ये याद हो हमने प्लस वन में किया था कि दो पाइप सीरीज में है, नहीं याद नहीं होता कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी, ए वन वी वन इज ए टू वी टू, बर्नौली थ्योरम वाली, ए वन वी वन ए टू वी टू, यानी कि वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड और वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ऐसे होता है। तो पाइप चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम पर सेकेंड दोनों केस में सेम रहेगा, जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। वायर में भी सेम रूल है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यहां भी वैलिड है। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, करंट, तो अगर वायर मोटी हो चाहे पतली हो करंट दोनों वायर में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, करंट नहीं चेंज होगा, जितनी मर्जी पतली वायर मोटी वायर कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, पानी तेज और स्लो मूव कर सकता है पाइप में, लेकिन करंट विल रिमेन सेम, याद रहेगा। अब वो क्या कह रहा है कि इस केस में डायमीटर डी वन आपको वो दे रहा है 2 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, करंट डेंसिटी दे रहा है जे वन दे रहा है, राइट, आप ये बाद में देखेंगे, वॉट करंट फ्लोज इन टू द वायर, आपको करंट पूछ रहा है, करंट डेंसिटी दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल लोगे डायमीटर से तो करंट भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। तो जे वन की वैल्यू पता है, पाई पता है, डी वन पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, आई वन, करंट आ गया, यही करंट किसमें एंटर करेगा, सेकेंड वायर में, क्योंकि करंट की वैल्यू रिमेन्स सेम, यही करंट सेकेंड वायर में एंटर करवा दें, तो पहला पार्ट आ गया। अब क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, इफ करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट एमर्जेस फ्रॉम राइट ऑफ द वायर, तो कह रहे सेकेंड वाली जो वायर है उसकी करंट डेंसिटी पहली वायर से डबल है, ये गिवन है, गिवन, तो वो पूछ रहा है ये बताओ कि डायमीटर क्या होगा डी टू। अब मुझे पता है कि करंट दोनों वायर में सेम रहेगा, पहली वायर में करंट क्या है, करंट डेंसिटी ऑफ फर्स्ट वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वायर, दूसरे में क्या रहेगा, जे टू इंटू ए टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि डी वन बाई टू का स्क्वायर, और इसमें क्या रहेगा, पाई इंटू डी टू बाई टू का स्क्वायर, जे टू क्या गिवन है, टू इंटू जे वन, तो यहां पुट करेंगे टू जे वन, जे वन जे वन कैंसल, डायमीटर की रेशियो आएगी, डी वन तो क्वेश्चन में गिवन है, यहां से सॉल्व करके डी टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, डी वन पता है तो डी टू आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो रूल समझ में आ रहा है कि करंट सेम रखना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो की वैल्यू इसके इक्वल हम कर चुके हैं, रो इज 1/σ, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें।
फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग, क्या निकालना है रो, 0.4 mm इन डायमीटर, तो डायमीटर पता है तो रेडियस पता है तो वहां से क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। जब भी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का लेना देना हो तो एक ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू क्या, रो एल बाय ए। तो यहां से क्या निकालना है, रो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर पता है, आर पता है और लेंथ पता है, रेजिस्टेंस भी पता है और रेडियस भी पता है, यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। तो फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो। करंट डेंसिटी क्या गिवन है, जे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, मैंने क्या बताया था, जब जे और ई गिवन हो तो क्या लगेगा, ओम्स लॉ। क्या फॉर्मूला था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई या जे is 1 by rho into E, question में क्या निकालना है आपको, rho, J given है, E given है, ये method लंबा है, ये ज़्यादा सही है, answer आ गया, तो ये ओम लगा लो answer। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, क्या आगे बना है, कैपिटल आर, इज यूज्ड टू वाइंड अ क्वाइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्वाइल घुमानी है, राउंड घुमाना है, इट हैज अ वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 mm। अब देखो यहां पर ये जो डायमीटर है ये क्या गिवन है, वायर का क्रॉस सेक्शन ये गिवन है, तो स्मॉल आर की वैल्यू 1.4/2 mm क्रॉस सेक्शन है, ताकि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकें बाय पाई इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या गिवन है, रो, और ये क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर। जब आप इस वायर को ऐसे घुमाएंगे क्वाइल बनाने के लिए राउंड राउंड, तो ये रेडियस क्या है, ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर। तो दो रेडियस समझ में आ रहे हैं, एक रेडियस बड़े सर्कल का है और एक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का है, दो रेडियस है। तो आपको ये बताना है कि मुझे इसमें रो की वैल्यू गिवन है, आपको आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए ये बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर मान लो आपने एक टर्न दिया
सात सेंटीमीटर का जैसे टर्न है कैपिटल आर, तो उसमें ये लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, और ऐसे कितने टर्न दिए एन, तो टोटल लेंथ वायर की क्या होगी 2 पाई इंटू एन, वेरिएबल है एन निकालना है, तो टोटल लंबाई आ गई, लेंथ आ गई वायर की, लेंथ आ गई तो आर क्या होता है रोएल बाई ए, आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पता है, आपको क्वेश्चन में रो भी पता है, लेंथ की जगह ये टर्म पता है हमने निकाल ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है पाई छोटा आर स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया एन की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कैसे रेडियस फिट करना है, एक क्रॉस सेक्शन का रेडियस है पाई आर स्क्वायर और एक जो है कॉइल का रेडियस है जो लंबाई निकालेगा लेंथ। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वायर 10 ओम की रेजिस्टेंस से आंसर दो, स्ट्रेच टू थ्राइस द ओरिजिनल लेंथ, तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी? गलत, सेम रेजिस्टेंस ने पूछा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और वो पूछेगा पक्का रेजिस्टिविटी ही पूछेगा सीबीएसई में, मेन में तो नहीं आएगा, खैर सीबीएसई में रेजिस्टिविटी पूछेगा और लोगों ने इसको एन स्क्वायर करके आना है। रेजिस्टिविटी रो मटेरियल पर डिपेंड करती है, जितनी मर्जी वायर छोटी हो बड़ी हो मटेरियल सेम है तो रो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी एन स्क्वायर टाइम 3 स्क्वायर 90। ठीक है यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वायर हैज अ रेजिस्टेंस सेम है 75% वाला, सेम क्वेश्चन है मेल्ट वाला, मेल्टेड डाउन वाला, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है तो स्ट्रेच टू एन टाइम्स है तो आंसर एन स्क्वायर आर है। नेक्स्ट 12th,